दोस्तों, क्या आप लोग ने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में बना कोई होटल से पृथ्वी को देखने का अनुभव कैसा हो सकता है? पहले ये एक्सपीरियंस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ही नसीब होता था, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब हम आम आदमी भी इस अकल्पनीय अनुभव का लुत्फ उठा पाएंगे। गेटवे फाउंडेशन नाम की एक संस्था $75 बिलियन खर्चा करके एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है, जो कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर धरती को चक्कर काटेगी, जिसके अंदर रहेगा आलीशान होटल। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि ये स्पेस होटल कैसा बनेगा, वहाँ और क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, कब तक ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो सकता है, और इस एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। इस सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये स्पेस होटल का कॉन्सेप्ट कहां से आया है उसके बारे में। साल 1952 में जर्मन स्पेस इंजीनियर वर्नर वैन ब्राउन एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट को सामने लाया। उन्होंने 76 मीटर वाइड साइकिल के पहिए के आकार का स्पेस स्टेशन का डिज़ाइन बनाया, जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करेगी और साथ साथ स्पिन भी करेगी। दोस्तों, आप कभी एम्यूजमेंट पार्क में बना स्पिनिंग व्हील पे बैठे हैं तो आप महसूस करेंगे कि जब वो व्हील बहुत ही ज़ोर से घूमता है तो एक फोर्स आपको बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अभी आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचे तो ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको ग्राउंड के तरफ खींचते हैं। वैन ब्राउन का आइडिया ये था कि वो अपना स्पेस स्टेशन में एक स्पिनिंग मोशन देंगे, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा, जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी के जैसा काम करेगा। जो लोग इस स्पेस स्टेशन में रहेगा वो बाहर के तरफ एक फोर्स महसूस करेगा, जो कि ग्रेविटी के जैसा काम करेगा। स्पेस स्टेशन का दीवार फ्लोर के जैसा काम करेगा। पहले वैन ब्राउन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ, लेकिन उसका ये आइडिया उस समय से बहुत ही आगे था। इसीलिए उस आइडिया को काम में लगा के इस स्पेस स्टेशन को बनाने का तकनीक तब लोगों के पास नहीं था। उसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस के दौरान ये वैन ब्राउन का आइडिया फीका पड़ता गया। 1974 को वैन ब्राउन का देहांत हो गया, लेकिन इस आइडिया को साइंस फिक्शनल मूवी में काफ़ी इस्तेमाल किया गया। 2001 का ब्लॉकबस्टर मूवी स्पेस ओडिसी में एक बहुत ही बड़ा व्हील शेप्ड स्पेस स्टेशन का दिखाया गया था, जहां आर्टिफिशियल ग्रेविटी मौजूद है। 1980 के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन कैसे बनाया जाए उसके खोज में जुड़ गए, लेकिन इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए वैन ब्राउन का आइडिया के जगह सिंपल आइडिया को लगाया गया और ये स्पेस स्टेशन बना, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2015 को गेटवे फाउंडेशन ने वैन ब्राउन के इस आइडिया को फिर से पुनरुज्जीवित कर दिया। गेटवे फाउंडेशन कुछ गिने चुने आर्किटेक्ट और इंजीनियर मिलके बनाया है, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेस पोर्ट बनाना। इस संस्था ने दो तरह के स्पेस स्टेशन का डिज़ाइन दिया, जिसका आकार भी अलग है। पहले वाले का नाम है वैन ब्राउन क्लास स्टेशन। इसका डायमीटर 190 मीटर है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ऑलमोस्ट दुगना है। इसका सेंटर में डॉकिंग पोर्ट रहेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें टोटल 24 मॉड्यूल्स रहेगा। हर एक मॉड्यूल में 3 फ्लोर रहेगा। कुछ मॉड्यूल टूरिस्ट के रहने के लिए और बाकी मॉड्यूल कुछ कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसी को रेंट में दिया जाएगा। 2 मॉड्यूल के बीच में रहेगा इमरजेंसी अर्थ रिटर्न व्हीकल्स। इस स्पेस स्टेशन का रोटेशन ऐसा रहेगा कि उससे जेनरेट हुआ ग्रेविटी चांद के ग्रेविटी के बराबर होगा। अगर उससे भी ज़्यादा ग्रेविटी का ज़रूरत हुआ तो एक बूस्टर मशीन उस स्पेस स्टेशन को और भी तेज़ घुमा के वो ग्रेविटी जेनरेट कर सकता है। ये स्टेशन सोलर पैनल से पैदा हुआ ऊर्जा से चलेगा। दोस्तों, ये स्पेस स्टेशन अर्थ के 400 मीटर ऊपर रोबोट के द्वारा बनाया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन में कुल 400 लोग रह सकते हैं। इस तरह के कुछ वैन ब्राउन स्पेस स्टेशन बनाने के बाद गेटवे फाउंडेशन
एक इससे काफी बड़ा स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसका नाम रहेगा द गेटवे। ये गेटवे आकार में बहुत ही बड़ा होगा जिसकी डायमीटर 448 मीटर होगा जो कि शिकागो में बना विलिस टावर के हाइट के जैसा होगा। इस गेटवे के सेंटर में डॉकिंग पोर्ट होगा जो कि इस्तेमाल किया जाएगा अर्थ शटल के जाने आने के लिए। इसमें एक बहुत ही विशालाकार स्पेस होटल रहेगा जिसमें ओपन एयर जिम, जैपनीज गार्डन, फूड कोर्ट, कैसीनो, वर्टिकल गार्डन जैसी फैसिलिटी रहेगा। ये गेटवे स्पेस स्टेशन भी वैन ब्राउन स्टेशन जैसा धरती के 400 किलोमीटर ऊपर रोबोट के द्वारा बनाया जाएगी। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक साथ 1400 लोग रह सकता है। इसे बनाने के लिए 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा खर्च होगा। लॉन्च कॉस्ट समय के साथ साथ कम होने के वजह से ये सब स्पेस स्टेशन बनाना फ्यूचर में पॉसिबल है। 2025 तक वैन ब्राउन स्पेस स्टेशन बनने का दावा किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन असल में कई सारे प्रॉब्लम इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रोक रहा है, जैसे कि फंडिंग का कमी, अंतरिक्ष के मलबे से स्पेस स्टेशन को नुकसान होने का खतरा इत्यादि, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन फिर भी ये गेटवे फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया ये प्लान निस्संदेह बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी है। तो दोस्तों, हम लोग आशा करते हैं कि गेटवे फाउंडेशन अपना ये प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करेगा। तो दोस्तों, मुझे आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट कभी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे शेयर करना भी मत भूलिए और मेरे चैनल केम्बासिस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी कोई अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।